चलो आज हम लोग समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स क्या चीज होती है। फ्रिक्शनल फोर्स जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होती है, या तो वो रिलेटिवली एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हुए मूव करते हैं, जैसे ये मेरे हाथ एक दूसरे के कांटेक्ट में पाम्स इस वक्त मोशन कर रहे हैं, या एक सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट रखा है और इसके ऊपर जो है मैंने इस तरह से फोर्स लगाई, तो ये मूव तो नहीं कर रहा लेकिन इसकी टेंडेंसी हो रही है मूव करने की, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जैसे मैं इसको ऐसे रख दूं, डस्टर, इस वक्त बोर्ड के कांटेक्ट में है ये डस्टर, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई ऊपर से इस तरह से, अब डस्टर मूव तो नहीं कर रहा है, द डस्टर इज नॉट मूविंग, ये नीचे की तरफ मूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी टेंडेंसी तो है कि नीचे स्लिप कर जाए। इवन अगर मैं इस डस्टर को ऐसे छोड़ दूं तो आपको मालूम है ये इस तरह से नीचे फॉल करेगा, लेकिन आप सोचो मैं इसके ऊपर एक फोर्स इस तरह से लगाता हूं परपेंडिकुलर टू द बोर्ड सर्फेस, अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक फोर्स जो मैंने लगाई है वो एक्ट कर रही है मार्कर के थ्रू, दूसरा बोर्ड ने जो लगाया नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, ये दोनों बोर्ड के सर्फेस या कॉन्टैक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर हैं फोर्सेस, लेकिन एक फोर्स और है ग्रेविटी की जो पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस एक्ट कर रही है। तो ये दोनों फोर्सेस तो हो सकता है एक दूसरे को कैंसिल कर दे, नॉर्मल रिएक्शन प्लस मैंने जो फोर्स लगाई है, एक इनवर्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आउटवर्ड, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है क्योंकि ये इधर नहीं जा रहा है ये इधर नहीं जा रहा, पर ग्रेविटी की फोर्स इसे नीचे ले जाना चाहती है, स्टिल ये नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कोई तो रोक रहा है। इस वक्त ये मोशन में नहीं है डस्टर विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड, बोर्ड के कॉन्टेक्ट में रहते हुए ये मोशन में नहीं, लेकिन इसकी टेंडेंसी है ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव करे, उस टेंडेंसी को अपोज करने वाली फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रही है अपवर्ड, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शन की फोर्स है। तो जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे तभी फ्रिक्शनल फोर्स लग सकती है, इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना कॉन्टैक्ट के नहीं होगी, कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दो तो कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। दूसरी चीज, सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है तब भी फ्रिक्शन लगेगी ऐसा जरूरी नहीं है, लग सकती है, लगेगी कब, जब उन दोनों सर्फेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट में रहते हुए रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, या फिर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगी, तभी जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के एक्ट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है, सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन कि दो सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट होने चाहिए तभी उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग सकती है। दूसरी चीज, ये और क्या ऑप्शन में है दूसरा, ठीक है ना, आइदर द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट आर इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और हैव अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देन ओनली The friction force is going to act between them. इस discussion के basis पे हम कह सकते हैं कि friction जो है वो दो तरह की होती है, यानी कि friction को दो categories में हमने divide कर दिया। एक को हमने कहा static friction. Friction के type में दो तरह की friction हम ले आए understanding में अपने पास, एक को हमने कह दिया static friction. और दूसरे को कह दिया काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर दो सर्फेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, दैट मींस दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ऐसे केस में वो सर्फेसेस एक दूसरे पे जो फ्रिक्शन की फोर्स लगाएंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। और यही दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो इस समय जो उन सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी वो कहलाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब चाहे फ्रिक्शन स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, उसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, उसकी टेंडेंसी क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस को अपोज करना, कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो वो आए ना, और अगर है तो वो खत्म हो जाए, रिलेटिव मोशन वो डेड हो जाए रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो काइनेटिक हो, वो अपोज करती है रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट।
अगर दोनों सर्फेसिस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, तो द फ्रिक्शन इज टर्म्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड इफ द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट हैव रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज टर्म्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले तो हम पहचानना शुरू करते हैं कि कब काइनेटिक लेंगे और कब स्टैटिक लेंगे फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए ये मैंने मार्कर का कैप जो है वो डस्टर के सर्फेस पे रख दिया। अब डस्टर का सरफेस और मार्कर के कैप का कुछ पार्ट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये चल रहा है इस तरह से, या ऐसे ले लेते हैं, या इस तरह से मूव कर रहा है। अब इस वक्त अगर इनके बीच में कोई फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, यानी कि इस कैप और इस डस्टर के सर्फेस के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, तो वो कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक है या काइनेटिक है। तो हमने कहा ठीक है, ओवरऑल तो डस्टर और ये दोनों मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, दिस कैप इज एज वेल एज दिस डस्टर बोथ आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो रेस्ट पे है। जैसे मैं इसको यहां पे रख दूं तो आप देखो इसका ये वाला एंड जो है कैप का वो डस्टर के एज के साथ कॉन्टैक्ट में है, और ये हमेशा इसी तरह से कॉन्टैक्ट में रहता है, यानी कि डस्टर के रिस्पेक्ट में इसकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही है। दो डस्टर की और कैप की दोनों की पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड देखिए तो चेंज हो रही है, पर इन दोनों सर्फेसिस का तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इनके बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो वो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये डस्टर के सर्फेस पे कैप इस तरह से चलता है, तो इस वक्त कैप और डस्टर के बीच में जो फ्रिक्शन की फोर्स है जब यह मूव कर रहा है इस तरह से, तो वो कौन सी है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि जब रिलेटिव मोशन है बिटवीन द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट, तो उस समय जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है वो काइनेटिक और रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वही स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए आप मेरे को बताइएगा कि स्टैटिक है ये फ्रिक्शन या काइनेटिक है। अ पर्सन प्लेसेस अ कॉइन ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन के फ्लोर पे वो एक कॉइन रख देता है। The train is moving towards east. Train east की तरफ move कर रही है. And the coin is stationary on the floor of the train. वो floor पे रुका हुआ है. आपको ये बताना है कि इस वक्त coin और train के floor के surface के बीच में जो friction force लग रही है वो static है या kinetic है. तो हमने देखा ठीक है, कॉइन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मूव कर रहा है क्योंकि ट्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो ट्रेन के साथ साथ वो भी मूव कर रहा है, ट्रेन का फ्लोर भी मूव कर रहा है, लेकिन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन ये स्टैटिक की कैटेगरी में चली गई, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इस वक्त डस्टर बोर्ड के सर्फेस पे मूव कर रहा है, मैं इस तरह से मूव करा रहा हूं, तो बोर्ड और इस डस्टर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है वो कौन सी फ्रिक्शन है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब हमें दो तरह की कैटेगरीज तो मालूम चल गई। देखो रोलिंग मोशन हमने नहीं पढ़ा, रोटेशन में जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज समझ लो कि रोलिंग मोशन में क्या होता है, या अभी सिर्फ मेमोरी में रखो आप, जब समझाना होगा तब समझाऊंगा आपको। रोलिंग के केस में प्योर रोलिंग होगी तो उस समय जो फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक ही होगी, रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन लेके चलेंगे आप, रोलिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक मत समझ लेना। ये चीज इस सर्फेस के ऊपर रोल कर रही है तो इस वक्त ये कॉन्टैक्ट में है, लेकिन इनके बीच में अब आप कहोगे कि रिलेटिव मोशन भी हो रहा है, सर मुझे तो दिख रहा है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ऑफ कोर्स इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन क्या जो पोर्शन जिस समय कॉन्टैक्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो है, बाकी पार्ट की वेलोसिटी होती है, ये रोलिंग में समझ पाएंगे हम। उस पार्ट की वेलोसिटी जो कॉन्टैक्ट में है, इस मार्कर का जो पार्ट मेरे हाथ के कॉन्टैक्ट में है, पूरे मार्कर में वेलोसिटी हो सकती है, पर उस पार्ट की जो कॉन्टैक्ट में रहता है उसकी वेलोसिटी जीरो रहती है, तो इसलिए ये फ्रिक्शन जो है रोलिंग वाली स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझना शुरू करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या होगा। और उससे पहले हम समझते हैं कि फ्रिक्शन होती क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। क्या है, जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं तो उनके बीच में हो जाती है कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। अब कोल्ड वेल्डिंग क्या चीज है इसको समझते हैं पहले। तो कोई भी सरफेस आप लोगे, जैसे ये बोर्ड का सरफेस, ये देखने में हो सकता है आपको लग रहा हो स्मूथ है, प्लेन है, पर ये ऐसा है नहीं। अगर हम इसे अच्छे से मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व करेंगे, या एक टेबल का टॉप ले लो आप, जिसे जब हम
नेकेड आइज से देख रहे हैं तो ये टेबल का टॉप हमें ऐसा दिख रहा है जैसे ये स्मूथ हो, लेकिन इसी को हमने एनलार्ज कर लिया और हमने इसको देखना शुरू किया मैग्निफाई करके, तो यही हमारे को कुछ इस तरह से दिखने लगा। ये टेबल का सरफेस कुछ इस तरह से एनलार्ज होकर के दिखने लगा। इसमें क्या कुछ चीजें बाहर की तरफ ऊपर की तरफ उठी हुई है, ये प्रोजेक्शन है, ये इसका डिप्रेशन है, ये प्रोजेक्शन है, ये डिप्रेशन है, ये पोर्शन इसका डिप्रेशन है एक्चुअली में, ये इसकी प्रोजेक्शन है ऊपर की तरफ आया हुआ है। ऐसे ही जब इसके ऊपर दूसरा सरफेस रखते हैं, मान लो इस सरफेस के ऊपर मैंने ऐसे ये प्लेस कर दिया स्केल, तो स्केल का ये सरफेस भी ऐसा ही है, तो क्या होता है जब ये स्केल का सरफेस आता है, इसे मैं रेड से बना देता हूं, या दूसरे ऑब्जेक्ट का सरफेस आता है, तो कई बार क्या होता है कुछ जगहों पे एक की प्रोजेक्शन दूसरे के डिप्रेशन में चली जाती है, जैसे यहां पे, यहां पे। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट एक्चुअली में बॉडी का जो हमें सब जगह लग रहा है वो सब जगह नहीं है, वो कुछ प्लेसेस पे ही है कॉन्टैक्ट। जिन प्लेसेस पे कॉन्टैक्ट होता है उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है यहां पे किसी ना किसी तरह से स्टिकिंग जैसी चीज आ जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। उसी बॉन्डिंग को फिजिक्स के टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग हो गई है। यही कोल्ड वेल्डिंग है ड्यू टू हाई प्रेशर, एक के डिप्रेशन और प्रोजेक्शंस के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज एक ग्लास लिया हमने वॉटर का, ठंडा पानी है उसके अंदर, समर का मौसम है अभी, चिल्ड वाटर है उसके अंदर, स्टील का ग्लास है, हमने कोल्ड वाटर उसमें ले रखा चिल्ड वाटर, और इस ग्लास को हमने एक टेबल के ग्लास टॉप के ऊपर प्लेस कर दिया। धीमे धीमे क्या होगा इस ग्लास के ऊपर कंडेंसेशन होकर के वाटर वेपर, वाटर के ड्रॉपलेट्स जमा होने लगी। ऐसा इसके बॉटम पे भी हुआ। कुछ देर के बाद हमने जब इसको उठाने की कोशिश की तो हमें ऐसा लगने लगा कि जैसे ये उस सरफेस पे स्टिक कर चुका है, ग्लास के सरफेस पे थोड़ा थोड़ा सा चिपकने से लगा। ये भी कोल्ड वेल्डिंग हुई है एक तरह की, दिस इज ऑल्सो कोल्ड वेल्डिंग। लेकिन यहां पे कोल्ड वेल्डिंग करने वाला एक दूसरा सब्सटेंस है, ना तो वो स्टील ने ग्लास के साथ की है कोल्ड वेल्डिंग, स्टील ने वाटर के साथ, वाटर ने ग्लास के साथ, तो ये तीन लेयर्स हो गई। और ऐसे केस में ये जो तीसरी चीज वाटर है, वाटर की लेयर है, ये एडहेसिव का काम करती है। हम बोलते हैं ना जैसे फेविकोल एडहेसिव है, चीजें चिपका सकते हैं, तो वो एडहेसिव का काम करती है, वो भी कोल्ड वेल्डिंग का काम करती है। सॉलिड्स के बीच में भी इसी तरह की कोल्ड वेल्डिंग हो सकती है और वही रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रिक्शन के लिए। जब सर्फेसिस रफ होते हैं तो क्या होता है कि ये डिप्रेशन जो है बहुत शार्प हो जाते हैं, इस तरह से होते हैं, ये रफ सर्फेस की पहचान है। दूसरा भी रफ सरफेस है तो वो उसके डिप्रेशन मान लो इस तरह से हैं, ऐसे इस तरह से मान लीजिए। तो क्या होगा यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगी। अब जब हम इसे मूव कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डिप्रेशन है तो इसमें से मूवमेंट आसान नहीं होगी। जैसे अभी अब मैं मार्कर ले लूं, इस मार्कर को मैं फिंगर्स के बीच में ऐसे प्लेस कर दूं, तो इसको इधर इधर मूव कराना मुश्किल काम है। ये यहां पे प्रेजेंट हो तो मैं ऐसे करके निकाल सकता हूं, इसे ऐसे करके निकाल सकता हूं थोड़ा सा, लेकिन ये अंदर चला जाए तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसे मूव कराना। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां होती है, जब सर्फेसेस स्टेशनरी होते हैं तो उनके प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस काफी अंदर तक कॉन्टैक्ट में जाते हैं, ये काफी डीप हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है इनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ये प्रोजेक्शंस रोकने लगती हैं मोशन को, आसानी से मोशन स्टार्ट नहीं होने देती हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी चीज को जब मोशन में लाना होता है तो मुश्किल काम होता है। आप देखो, आप एक साइकिल है वो रेस्ट पे है, आपको साइकिल को चलाना है पैडलिंग करके, आपको शुरू में पैडल पे बहुत फोर्स लगानी पड़ती है साइकिल को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, लेकिन एक बार जब साइकिल मोशन में आ जाती है और उसका वही मोशन मेंटेन करना चाहते हैं और आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहे हैं, चला रहे हैं साइकिल को, तो आपको उतनी ज्यादा फोर्स पैडल के ऊपर नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि जब ये साइकिल रुकी हुई थी तो उस समय समझो स्टैटिक फ्रिक्शन थी। साइकिल यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, एक बॉक्स रखा हुआ हैवी बॉक्स है, से ट्रंक वो घर के फ्लोर पे रखा हुआ है, उसको पुश करना है फ्लोर के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे,
या घर में रखा हुआ गैस का सिलेंडर है उसको पुश करना है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, उठा के नहीं ले जाना है, पुश करके ले जाना है या उसको फ्लोर पे स्लिप करा करके ले जाना है। तो ऐसे केस में हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई। जब तक वो रेस्ट पे है उसको मोशन में लाने के लिए तो बहुत लार्ज फोर्स सही होगी, लेकिन एक बार वो मोशन में आ जाए तो हमें उसे मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए उतनी बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो वेरी करती है, इसीलिए कई बार स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहलाती है, क्योंकि ये अपना मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन दोनों को एडजस्ट करती है इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटर्नल फोर्स। आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, आप एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है और बढ़ जाए। ऐसे जब जब आप बढ़ाते जाओगे एक्सटर्नल फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की बढ़ने की एक मैक्सिमम लिमिट है, उस लिमिट पे पहुंच गए तो उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ सकती। उसके बाद अगर आप फोर्स लगाओगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बियॉन्ड फोर्स लगने पर। ये जो मैक्सिमम वैल्यू आती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसके बियॉन्ड स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाती है, जिसके स्लाइटली ग्रेटर फोर्स लगा करके आप बॉडी को रिलेटिवली मोशन में ला सकते हो, तो इस फोर्स को, इस फ्रिक्शन की फोर्स को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक तरह से आप समझ लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है स्मॉल एफ से फ्रिक्शन डिनोट करेंगे, एस लगा देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। सिर्फ स्मॉल एफ लिखेंगे तो फ्रिक्शन पता नहीं कौन सी है, स्टैटिक भी हो सकती है काइनेटिक भी हो सकती है, लेकिन एफ एस लिख दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो से लेकर के, यानी कि दो सर्फेसिस कॉन्टैक्ट में और रेस्ट में है तो हो सकता है उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होती हो, ऐसे करते करते एक मैक्सिमम वैल्यू तो जाएगी, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं। एफ एल लगा दिया मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इसलिए कहलाती है क्योंकि वो अपनी वैल्यू को जीरो से लेकर के एक मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट कर सकती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड को नहीं, डायरेक्शन में भी स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन भी एडजस्ट करेगी इन अकॉर्डिंग विद द एक्सटर्नल फोर्स विच हैज अ टेंडेंसी टू ब्रिंग द टू सर्फेसेस इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे ये डस्टर है, इस वक्त इस डस्टर और बोर्ड के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है वो वर्टिकली अपवर्ड लग रही है। ये डस्टर इस तरह से प्रेजेंट है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रही है। कारण क्या है, आप देखो इस वक्त डस्टर पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इस डस्टर पे लगने वाली एक फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है, जो मैंने अपने हाथ से लगा रखी है थंब से। दूसरी फोर्स बोर्ड ने लगा रखी है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ये परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया क्योंकि ना तो डस्टर अंदर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ना बोर्ड से अवे एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द बोर्ड वाली डायरेक्शन में रेस्ट पे है। और अगर रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रह रहा है तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है। इस पे एक फोर्स इस तरह से भी एक्ट कर रही है, वो है एमजी, जहां पे एम इस डस्टर का मास है। ये एमजी वाली फोर्स लग रही है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती तो क्या होता है, ये डस्टर नीचे की तरफ स्लिप कर जाता, इस तरह से मूव करता नीचे की तरफ, लेकिन अभी मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है ये फोर्स जो इसे नीचे ले जाना चाहती है उसे किसी ने कैंसिल किया, वो फ्रिक्शन फोर्स है। ये है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन mg के बराबर है, अभी इस केस में ये स्टैटिक फ्रिक्शन mg के बराबर है। अब मान लो मैं इसके ऊपर एक और फोर्स लगा देता हूं, ऐसे सपोज 5 न्यूटन की फोर्स मैंने और लगा दी इस तरह से डाउनवर्ड, ये फिंगर से मान लो मैंने ऐसे फोर्स लगा दी, अभी भी तो ये डस्टर नहीं मूव कर रहा। अब दो फोर्सेस हैं जो इस डस्टर को बोर्ड के रिस्पेक्ट में मूव कराना चाहती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कौन कौन सी फोर्सेस है, एक तो है mg और दूसरी जो ने 5 न्यूटन की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगाई है वो, और ये नीचे की तरफ नहीं मूव कर रहे हैं, ऊपर लगने वाली अभी भी एक ही फोर्स है फ्रिक्शन। तो अब यही फ्रिक्शन जो पहले mg के बराबर थी, फर्स्ट केस में जो mg के बराबर थी, वही अब इस सेकंड केस में क्या हो गई, mg प्लस 5 न्यूटन हो गई। इसने अपनी वैल्यू एडजस्ट कर ली, 5 न्यूटन बढ़ा ली इन अकॉर्डिंग टू
अब मान लो मैं इस पे ये फोर्स नहीं लगाता, ये फोर्स हटा देते हैं, इसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगा देता हूं हॉरिजॉन्टल डस्टर के ऊपर 5 न्यूटन की। अब इस फोर्स के लगते ही डस्टर की टेंडेंसी है कि वो इस तरह से मूव करे, और ग्रेविटी की वजह से उसकी टेंडेंसी है इस तरह से मूव करे। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को देखूं, किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस कंसिडर करूं, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड तो मोशन हो नहीं सकता हमें मालूम है, बाकी जो पैरेलल टू द बोर्ड मोशन हो सकता है उसकी बात कंसिडर करते हैं। तो 5 न्यूटन की एक फोर्स मैंने ये लगा रखी है और mg ये लगा रखी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, वो भी पैरेलल टू द बोर्ड हो गया और वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आ गया। ये रिजल्टेंट आया, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन को अभी हमने कंसिडर नहीं किया है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गई, वो इस डायरेक्शन में हो गई और वो mg का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का होल रूट हो गई हमारे पास। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया हमने वेक्टर से। तो ये डस्टर जो ये रखा हुआ है, इसके ऊपर जो दो फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स 5 न्यूटन की आप देख रहे हैं इधर लग रही है, एक mg वाली इधर लग रही है, तो इस डस्टर की टेंडेंसी किधर होगी मूव करने की, ये रेस्ट पे है, जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम चेंज होगा, और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली मोमेंटम तो उस डायरेक्शन में चेंज होता है जिसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है। नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स इस एरो की डायरेक्शन में है, तो ये डस्टर इस लाइन में ऐसे मूव करना चाहेगा, इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब है अगर ये मूव नहीं कर रहा इसके बाद भी, ये ग्रेविटी की फोर्स लगने के बाद और ये जो है 5 न्यूटन की फोर्स इधर से लगने के बाद स्टिल ये मूव नहीं कर रहा है डस्टर, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स को इसे अपोज कर रही है, इसके मोशन को रोक रही है। वो फोर्स किधर आ गई, वो इसके ऑपोजिट आ गई, यही फ्रिक्शनल फोर्स है। ये फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो गई इस वक्त, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गई, ठीक है ना, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गई हमारे पास। अब देखो जो हमने सेकेंड केस लिया था अपना, जब हमने इसके ऊपर जो है इस तरह से नहीं, ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से एक फोर्स लगाई थी 5 न्यूटन की, ये सेकेंड केस था हमारा, तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो mg प्लस 5 न्यूटन आई थी और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आई थी। अब फोर्स तो 5 न्यूटन की लग रही है, mg भी लग रही है, लेकिन अब नेट फोर्स जो है वो mg प्लस 5 न्यूटन नहीं रह गई है नेट एक्सटर्नल, इस केस में mg प्लस 5 न्यूटन थी, नेट एक्सटर्नल फोर्स आपके पास इतने मैग्नीट्यूड की हो गई, तो फ्रिक्शन भी अगर मूव नहीं किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जो है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहां पे हम जो बात कर रहे हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि रिलेटिव मोशन हमने नहीं लिया है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी इसका एडजस्ट हो गया और डायरेक्शन भी आप देख रहे हो एक्सटर्नल फोर्स के, नेट एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई, यानी कि दो फ्रिक्शनल फोर्सेज एक्ट की है, एक फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह से एक्ट की है से F1, एक फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह से एक्ट की है F2। F1 ने 5 न्यूटन को बैलेंस किया है और mg को F2 ने बैलेंस किया, तो नेट फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट है और वो इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है हमारे पास। ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें समझ में आ गया कि 0 से लेकर के लिमिटिंग फ्रिक्शन तक है, और ये समझ में आ गया ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों है, क्योंकि ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों ही एडजस्ट कर सकती है। अब हम एक बार समझेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होगी और किन किन पैरामीटर्स या किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करे। लिमिटिंग फ्रिक्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, एक नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट से मतलब है उनकी डिग्री ऑफ रफनेस या डिग्री ऑफ स्मूथनेस, वो कितने स्मूथ या कितने रफ है इस बात पे डिपेंड करेगी। अगर दो सर्फेसिस स्मूथ होंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन काफी कम होगी, एक ऐसी स्मूथनेस होगी जिस पर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी, सर्फेसेस इतने स्मूथ हो जाएंगे कि हम मान लेंगे कि उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, ठीक है। इसका मतलब न्यूमेरिकली जब आप डील करोगे और कहीं स्मूथ लिखा होगा तो उसका मतलब आप समझोगे सर्फेस स्मूथ होने का मतलब आपको कहा जा रहा है कि फ्रिक्शन आपको कंसिडर नहीं करनी है, ठीक। लेकिन एक लिमिट है स्मूथनेस को बढ़ाने की, अगर आप डिग्री ऑफ स्मूथनेस बढ़ाते जाते हो तो रिजल्ट क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है ट्रेमेंडसली, ओवर स्मूथ सर्फेस बोलते हैं, तो
फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ओवर स्मूथ सर्फेसिस ट्रेमेंडसली लार्ज, बहुत बड़ी फ्रिक्शन फोर्स होती है ये। ये सिर्फ आपको थियोरेटिकली ध्यान रखना है, सिर्फ यही स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, ना तो इसके रीजन में आपको परेशान होने की जरूरत है कि क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, नो नीड टू बॉदर अबाउट दैट। सिर्फ रिमेंबर कि ओवर स्मूथ सर्फेसिस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बहुत लार्ज होती है, यानी कि अगर हम सर्फेसिस को रफ से स्मूथ करना शुरू करेंगे तो फ्रिक्शन डिक्रीज होने लगेगी, डिक्रीज होते 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 एक ऐसी स्मूथनेस आएगी जिस पर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी। अगर हमने फर्दर और स्मूदिंग की तो फ्रिक्शन एकदम से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सी फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो रफ सर्फेस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन लार्ज है, स्मूथ सर्फेसिस के लिए बहुत कम है, एक ऐसी स्मूथनेस है जिसके लिए जीरो है, लेकिन न्यूमेरिकली जब भी स्मूथ लिखा होगा तो उसका मतलब जीरो ही होगा कि आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन जीरो कंसिडर करनी है। और अगर हमने एक ऐसा स्मूथनेस कर दी जिसे हम ओवर स्मूथनिंग कहेंगे कि ओवर स्मूथ हो गए सर्फेसिस, तो उस केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ट्रेमेंडसली लार्ज हो जाएगी। तो एक तो हमें मालूम चल गया नेचर ऑफ द सर्फेसिस पे डिपेंड करती है फ्रिक्शनल फोर्स। अब नेचर कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना, कि सर्फेस कितना रफ है उसकी कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन हमारे को न्यूमेरिकली डील करते वक्त इसकी एक मैथमेटिकल आर्बिट्री वैल्यू दी जाएगी। म्यू से हम उसे डिनोट करेंगे, ये किसी ना किसी तरह से म्यू को हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर म्यू एस लिखा होगा तो ये म्यू एस जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। पहले म्यू लिखूं, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका नाम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ये दो कैटेगरी में फिर चला गया, एक हो गया म्यू एस, एक हो गया म्यू के। म्यू एस जो है वो हो गया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू के जो है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, के फॉर काइनेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जनरली हमें क्वेश्चंस में दिए गए होंगे। आप ध्यान रखेंगे फॉर ऑल थ्योरेटिकल पर्पसेस म्यू स्टैटिक इज ग्रेटर देन म्यू काइनेटिक। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें दोनों की वैल्यू अलग अलग दी जाएगी, जैसे म्यू एस हमें 0.5 दे दिया तो म्यू के हमें 0.4 दे दिया, दोनों वैल्यूज अलग अलग है, म्यू एस बड़ा दिया म्यू के छोटा दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक ही म्यू दिया होगा तो वही हमारे लिए म्यू एस कंसिडर किया जाएगा, वही म्यू के कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम न्यूमेरिकली इक्वल ले लेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली आप ध्यान रखेंगे कि म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा होता है। अब वहां इक्वल लेने का शायद रीजन ये हो सकता है कि म्यू के और म्यू एस के बीच में जो डिफरेंस है बहुत नेग्लिजिबल हो, जैसे म्यू एस 0.5 है और म्यू के जो है 0.499999999999 ऐसे 100 बार 9 और लिख लिया इतना है, तो ये 5 के बहुत 0.5 के बहुत करीब हो गई वैल्यू, तो हम इसे नियरली इक्वल ट्रीट कर सकते हैं, तो शायद इसलिए हमारे को वहाँ इक्वल दिया जाता है। बाकी थ्योरेटिकली आप क्लियर रखेंगे कि म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा होता है। हाँ, आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर कहती है, एक ही वैल्यू देती है क्वेश्चन में कि म्यू फॉर द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट या कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन For the surfaces in contact is this, तो वही हम म्यू के कंसिडर करेंगे और वही म्यू एस कंसिडर करेंगे जो वैल्यू दे दी जाएगी। ये एक प्योर नंबर के फॉर्म में हमें दिया जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ 0.5, 0.6, 0.2, जो भी वैल्यू होगी नंबर के रूप में आपको दी जाएगी। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका मतलब कोई ना कोई रेशियो होगा जो हम आगे समझेंगे किस चीज का रेशियो है ये। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू वो दी जाएगी म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। मैं आपको बता रहा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट, तो वो नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट का मेजर जो है एक तरह से म्यू है, तो म्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरी चीज किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पे। म्यू को हम एक कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं,
एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट हम कहते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है और हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके इक्वल का साइन यूज करना चाहते हैं तो हमें कांस्टेंट प्लेस करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्लेस करना पड़ेगा। तो वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हमने इक्वल का साइन लगा दिया और ये कांस्टेंट लगा दिया, तो यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो म्यू एस हो गया हमारे पास। तो म्यू एस बेसिकली आप देख रहे हो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो है रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। अब आपको मालूम है ये फ्रिक्शन की फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स होती है, फोर्स को फोर्स से डिवाइड करेंगे यूनिट कहां बचेगा हमारे पास, तो म्यू एस हमारे पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सेम तरह से म्यू के भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, तभी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात होगी। जैसे जैसे आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स यानी कि कॉन्टैक्ट सर्फेस के पैरेलल वाली फोर्स बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। बढ़ते बढ़ते उसकी एक वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, जिसे आप मान रहे हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगी। अब अगर आपकी नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी भी बड़ी हो गई तो ये ऑब्जेक्ट तुरंत सरफेस पे मूव कर जाएगा इमीडिएटली। यानी कि अगर कम से कम पूछे कि मिनिमम कितनी वैल्यू पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस हमें लगानी होगी कि ऑब्जेक्ट उस सरफेस पर मूव कर जाए, तो वो मिनिमम वैल्यू थ्योरेटिकली तो बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है वो नहीं कह सकते, नेग्लिजिबली बड़ी भी हो सकती है। तो लिमिटिंग वैल्यू उसकी जो है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी बोलनी होगी तो इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देंगे न्यूमेरिकल्स में, कि कम से कम कितनी फोर्स लगा करके हम रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर प्लेस करेंगे। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होगी। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोई एक नहीं है कि आप डायरेक्ट लिख दो कि स्टैटिक फ्रिक्शन भाई इतनी होती है, आपको नॉर्मल रिएक्शन पता चल गया, म्यूएस आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो इससे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकलेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूरी थोड़ी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग ही होगी, उससे कम वाली वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा जो भी नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स है उसके बराबर होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। हम कुछ एग्जांपल से इसको कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की का मास मान लीजिए 10 केजी का है, दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ 10 केजी। और ऑब्जेक्ट के लोअर सरफेस और इस ग्राउंड के सरफेस के बीच के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस वो 0.5 है मान लीजिए, ठीक है। अब मैंने पूछा क्या बताइए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है इस ऑब्जेक्ट पे। सबसे पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना सीखेंगे हम कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है। तो कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, तो कहा भाई म्यू एस होता है और नॉर्मल रिएक्शन चाहिए होता है, म्यू एस हमें पता है 0.5, नॉर्मल रिएक्शन अगर हमें और मिल जाए तो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने कहा इसके ऊपर फोर्सेस मार्क करो, एक फोर्स इसके ऊपर ग्रेविटी की एक्ट कर रही है, जी की वैल्यू मान लो जी जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 केजी इनटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 100 न्यूटन हो गया, ये ग्रेविटी की फोर्स आ गई 100 न्यूटन की। नॉर्मल रिएक्शन सपोज आर है, इसको आर से भी लिख सकते हो, तो आप नॉर्मल रिएक्शन आर से भी डिनोट कर देते, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एन न्यूटन के लिए लिख दिया इसलिए आर से डिनोट कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब ना तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में तो ये रेस्ट का रेस्ट पे ही है, तो इसका मतलब है आर मस्ट बी इक्वल टू 100 न्यूटन, जितनी डाउनवर्ड फोर्स है उतनी अपवर्ड हो गई। अब म्यू एस मालूम चल गया और आर मालूम चल गया हमारे को, तो कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू आर होती थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गई 50 न्यूटन। ओके, अब सेम सिचुएशन को फिर से देखते हैं, सेम ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सेम सरफेस पे रखा है,
कंसिडर दिस टू बी द सेम ऑब्जेक्ट, 10 केजी का ऑब्जेक्ट उसी सरफेस पे रखा है, म्यू की वैल्यू पहले की तरह सेम सरफेस है तो 0.5 ही है आपके पर, लेकिन अब किसे क्या किया है मैंने, इसके ऊपर 30 न्यूटन की एक और फोर्स लगा रखी है, मैंने इसको ऊपर से प्रेस कर रखा है 30 न्यूटन, जैसे ये रखा हुआ है इसको ऊपर से प्रेस कर दिया मैंने, 30 न्यूटन की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और लगा दी। अब मैंने कहा आप बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है इसके ऊपर, तो कहा अच्छा ठीक है इसके ऊपर सारी फोर्सेस मार्क करते हैं, एक तो ऑलरेडी मार्क्ड है 30 न्यूटन की, एक इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी तो वो ग्रेविटी की फोर्स मार्क करते हैं, वो mg होगी, m 10 kg का, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये 100 न्यूटन की आ गई, और एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, मान लीजिए ये फर्स्ट केस था R1 कह लेते हैं, ये फर्स्ट केस था R1 कह लेते हैं, ये फर्स्ट केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन थी हमारे पास। अब ये सेकंड केस ले रहे हैं तो सेकंड केस में इसी नॉर्मल रिएक्शन को R2 मान लेते हैं, अभी भी ये ऑब्जेक्ट ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है ना वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि जितनी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है उतनी फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड 100 न्यूटन भी है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है 30 न्यूटन भी, और वर्टिकली अपवर्ड एक ही फोर्स है R2, तो R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो R2 हो गया हमारे पास 100 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन, दैट इज 130 न्यूटन, ये हमारे पास R2 की वैल्यू हो गई। का सेकंड केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी हो गई, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू तो अभी भी 0.5 है, आपको कहा था कांस्टेंट होता है तो अभी हम इसे कांस्टेंट ही लेके चल रहे हैं, तो ये म्यू स्टैटिक हमारे पास 0.5 का 0.5 रहा। अब हमने इस 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मल रिएक्शन R2 से, यानी कि अब की से आ गई ये वैल्यू म्यू एस इनटू R2, तो म्यू एस 0.5 और R2 की वैल्यू हो चुकी है 130, तो 0.5 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया 130 से, तो ये आ गया 65 न्यूटन, तो 65 न्यूटन हो गई। आप देख लो पहले केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कम थी, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो गई है, कारण क्या हुआ, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, आपने नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया तो क्या हुआ आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ गई। सपोज ये फोर्स मैंने 100 न्यूटन की लगाई होती तो अब R2 कितना आता, तो यहाँ पे 100 और ऐड हो जाता, यहाँ 100 और ऐड होता तो ये 200 न्यूटन हो जाता। पहले नॉर्मल रिएक्शन कितना था 100 न्यूटन का, अब नॉर्मल रिएक्शन कितना है 200 न्यूटन का, पहले फ्रिक्शन फोर्स कितनी थी 50 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन की अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को आना चाहिए 100 न्यूटन। चेक करके देखते हैं 0.5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली इट इज कमिंग एज 100 न्यूटन, तो आपने नॉर्मल रिएक्शन डबल किया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी डबल हो गई। ठीक है, क्लियर है ये चीज, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे को समझ में आ गया कि हम कैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। अब आ जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन की बात, कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कितनी हो, कैसे निकलेगी, तो फिर से हम कुछ केसेस कंसिडर करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। ये सरफेस हो गया, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, टेन केजी का वही ऑब्जेक्ट हो गया जो पहले था हमारे पास, वही म्यू एस ले लेते हैं, दैट इज 0.5। अब मान लो इसके ऊपर हमने एक ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी, ट्वेंटी न्यूटन। अब आपसे पूछा कि बताओ इस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन लग रही है वो स्टैटिक है या काइनेटिक है, पहला पार्ट, क्या हमें सिर्फ यह बताना है कि स्टैटिक है या काइनेटिक है, और दूसरी चीज हमसे पूछी गई उस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है। सपोज हमें एक और दिया गया है इसी सरफेस के लिए, म्यू के भी गिवन है, तो दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के हमारे, एक तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ जो फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की वो स्टैटिक है या काइनेटिक है। क्वेश्चन ऐसे है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 केजी इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग म्यू एस 0.5 एंड म्यू के 0.4। नाउ अ फोर्स ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एज शोन, फुल स्टॉप।
इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट स्टैटिक और काइनेटिक? सेकेंड पार्ट, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे. कोई फोर्स है नहीं है, फ्रिक्शन कितनी है, वो सारी बातें अपनी जगह. हमारा काम सबसे पहला है कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे. उससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम. एक फोर्स इसके ऊपर इस तरह से लग रही है ग्रेविटी की, 100 न्यूटन की. एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लग रहा है R1 इसलिए मार्क कर रहा हूं कि और भी केसेस कंसिडर करेंगे, सेकेंड केस थर्ड केस, तो उसमें हो सकता है हमें अलग वैल्यूज लेनी हो. अब अगर ये 20 न्यूटन की फोर्स लगी, मान लो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए तो किधर मूव करेगा, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे? तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर मोशन होगा इसका तो ये टूवर्ड्स राइट होगा, यानी कि इस फ्लोर के सरफेस के रिस्पेक्ट में या तो ये इधर मूव करेगा, नहीं तो उसकी टेंडेंसी तो है इधर मूव करने की. तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो इस तरह से लगेगी. ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स है, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इस तरह से लग रही है. इसे एफ लिखा है, ना तो एफ एस लिखा है ना एफ के लिखा है, पता ही नहीं है कि स्टैटिक है कि काइनेटिक है, ठीक है ना. ये मालूम चल गया डायरेक्शन इसकी इस डायरेक्शन में होगी. तो सबसे पहला काम अब हमारा ये है कि हम ऑब्टेन करें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है. इस फिगर को देखते हुए हमें बहुत क्लियर हो जाता है कि R1 की वैल्यू 100 न्यूटन ही होनी चाहिए. तो ये हमने कंक्लूड कर लिया R1 equals to 100 न्यूटन, क्योंकि वी आर वेरी मच श्योर कि दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू एक्सेलरेट इन वर्टिकल डायरेक्शन, नीदर वर्टिकली डाउनवर्ड नॉर वर्टिकली अपवर्ड. दैट मींस इन वर्टिकल डायरेक्शन इट विल ऑलवेज बी एट रेस्ट, देयरफॉर नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो. दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एंड हेंस R1 मस्ट बी 100 न्यूटन. तो R1 हो गया 100 न्यूटन. तो अब हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला इस केस का. फर्स्ट केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी हो गई, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू R1 किया हमने. म्यू एस 0.5, R1 100 न्यूटन, तो ये आ गया 50 न्यूटन. अब हम जानते हैं इस ऑब्जेक्ट के मूव करने के लिए 50 न्यूटन से थोड़ी सी भी बड़ी फोर्स लगेगी तभी यह मोशन में आएगा, 50 न्यूटन से कम रहेगी तो ये मोशन में नहीं आएगा. इनफैक्ट 50 न्यूटन भी होगी तो थियोरेटिकली हम श्योर हैं कि ये रेस्ट का रेस्ट पे ही रहेगा. तो अभी तो फोर्स 20 न्यूटन की लगी है तो ये मूव नहीं करेगा. अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो इस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी, जिस डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन एक्ट करेगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कम से कम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगना चाहिए. कम से कम लिमिटिंग फ्रिक्शन जब हम बोलते हैं तो एक्चुअल में वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा बड़ा होता है. लिमिटिंग वैल्यू उसकी जो है वेरी क्लोज टू लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसलिए उसको हम नियरली इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख देते हैं. और ये तो उससे काफी कम है, तो इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू मूव. अब अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा सर्फेस के ऊपर तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक हो गई. सबसे पहली चीज हमें मालूम चल गई, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक. अब अच्छा, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? अब स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरी तो नहीं है लिमिटिंग होगी, उसकी वैल्यू तो जीरो से लेकर लिमिटिंग तक कुछ भी होती थी, तो कितनी होगी? तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होती है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि जितनी भी फोर्सेज लग रही है उन सबको अगर हमें जरूरत है तो रिजोल्व कर लेंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, और पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस नेट फोर्स निकालेंगे. जो पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस नेट फोर्स आएगी वही कहलाएगी नेट टेंजेंशियल फोर्स. स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा उस नेट टेंजेंशियल फोर्स के बराबर है. यहाँ तीन फोर्सेस लग रही हैं, R1, ग्रेविटी एंड 20 न्यूटन फ्रिक्शन को छोड़ करके, क्योंकि फ्रिक्शन की तो वैल्यू ही कंक्लूड करनी है हमें. ये दोनों परपेंडिकुलर टू द सर्फेस है, 100 न्यूटन 100 न्यूटन, R1 और ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस है. इनका कोई भी कंपोनेंट पैरेलल टू द सर्फेस नहीं आएगा. पैरेलल टू द सर्फेस एक ही फोर्स है तो यही नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स है. तो इस केस में, फर्स्ट केस में फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है पहली चीज, और उसकी वैल्यू कितनी है उस स्टैटिक फ्रिक्शन की? 20 न्यूटन. कम से कम 50 न्यूटन की फोर्स होती, इनफैक्ट 50 से स्लाइटली बड़ी होती तब मोशन स्टार्ट होता.
तो फर्स्ट केस के लिए हमें ये मालूम चल गया कि फ्रिक्शन स्टैटिक है और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 20 न्यूटन। और यहीं से हमने ये बात भी अपने दिमाग में बिठा ली, सेट कर लेनी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होगी। अब एक और केस ले लेते हैं, सेकेंड केस, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम सर्फिस पे रखा है, सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सेम सर्फिस, ये सर्फिस टेन के जी का ऑब्जेक्ट है, म्यू एस वाई 0.5, म्यू के वाई 0.4। इसके ऊपर इस तरह से एक फोर्स लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, चलो यही लगा देते हैं, इस तरह से एक इसके ऊपर फोर्स लगा दीजिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से 90 न्यूटन की फोर्स लगा दीजिए, 90 न्यूटन की फोर्स लगा दी। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो सपोज 45 डिग्री है, ये एंगल या ये एंगल कोई भी एक मार्क कर ले, 45 है तो दोनों ही 45 होंगे, ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया गया है। ये जो दो डॉटेड लाइंस हो गई, ये इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, दूसरा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया। इस फोर्स को भी मैं बदल देता हूं, ये फोर्स सपोज 80√2 न्यूटन है। अब कहा कि जो फ्रिक्शन होगी वो आप बताओ स्टैटिक होगी या काइनेटिक होगी, और जो भी होगी उसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए सबसे पहला काम, सारी फोर्सेस मार्क कर लीजिए, इवन फ्रिक्शन की भी फोर्स मार्क करनी है, किस डायरेक्शन में लग रही है वो तो हमें कंक्लूड करके मार्क करना ही करना है। तो कहा एक ग्रेविटी की फोर्स लगेगी इसके ऊपर 100 न्यूटन की वर्टिकली डाउनवर्ड, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा से R2, और अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं, F1 इक्वल्स टू Fs था और उसकी वैल्यू थी 20 न्यूटन, ये पिछले केस का था हमारे। अब इसका इधर का कंपोनेंट हो गया 80√2 इंटू cos 45, cos 45 1/√2 होता है, तो ये 80 न्यूटन का हो गया, और ये जो है हमारे पास अगेन 80 न्यूटन का हो गया, क्योंकि साइन 45 भी जो है वो भी 1/√2 ही होता है। अब हमने कहा सबसे पहले तो आप R2 की वैल्यू निकालो कि R2 कितना है। तो ये वर्टिकली डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट करेगा नहीं, वर्टिकली डायरेक्शन में रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रहेगा, तो इसका मतलब है जितनी फोर्स डाउनवर्ड होगी उतनी अपवर्ड होगी। डाउनवर्ड में एक ये 80 न्यूटन है और एक ये 100 न्यूटन है, और अपवर्ड में सिर्फ अकेला R2 है तो इसे 180 न्यूटन होना चाहिए, क्योंकि नेट डाउनवर्ड फोर्स 180 न्यूटन की है, और इसलिए नेट अपवर्ड फोर्स को भी 180 न्यूटन का होना चाहिए, सिंस वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई मोशन जनरेट ही नहीं होता, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अब ये 180 न्यूटन आ गया हमारे पास। अगला स्टेप हमारा क्या होता था, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते थे, तो अभी भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। तो सेकेंड केस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, सेकेंड केस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इन सेकेंड केस, म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन इन सेकेंड केस। म्यू स्टैटिक था हमारे पास 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन हमने कंक्लूड किया 180, तो इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई 90 न्यूटन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गई 90 न्यूटन की हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि ये मूव करेगा या नहीं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स चेक करनी है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स कितनी है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स 80 न्यूटन की है और लिमिटिंग फ्रिक्शन 90 न्यूटन की है।
ये 90 न्यूटन से छोटी हो गई फोर्स जो इसे मूव कराना चाहता है, आप देख सकते हैं, और कोई फोर्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस नहीं है, यही अकेली 80 न्यूटन की है, तो यही नेट टेंजेंशियल फोर्स है हमारे पास, नेट टेंजेंशियल फोर्स है 80 न्यूटन की, और हमें मालूम है कि मूव कराने के लिए हमें इनफैक्ट 90 से भी थोड़ी बड़ी फोर्स चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू भी ले लें तो कम से कम 90 न्यूटन तो चाहिए ही है, और लग रही है जो फोर्स मूव कराना चाहती है वो 80 न्यूटन का है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट का रेस्ट पे रहेगा, और अगर ये रेस्ट का रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगी, तो इस केस में फ्रिक्शन स्टैटिक है। सेकंड केस में भी जो फ्रिक्शन आ रही है F2 कह रहे हैं उसे, F2 इज स्टैटिक इन नेचर, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट केस की, ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेकेंड केस की है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होती थी, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स, नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स 80 न्यूटन की है, तो ये फोर्स भी हमारे पास 80 न्यूटन की हो गई, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी थी, 50 न्यूटन फर्स्ट केस में, ऑब्जेक्ट तो वही है, सरफेस वही है, लेकिन अब क्या हुआ है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन आई है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आई है आपकी सेकंड केस की, फर्स्ट केस की 50 न्यूटन लिमिटिंग, सेकंड की हो गई 90 न्यूटन, बढ़ कैसे गई है, नेचर ऑफ द सर्फेसेस तो चेंज नहीं हुए क्योंकि वही सर्फेस से, बढ़ कैसे गई, बढ़ इसलिए गई क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बड़ा हो गया, पहले नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन का था, अब उसका 1.8 टाइम्स हो गया है, नॉर्मल रिएक्शन 1.8 टाइम्स हो गया तो हमारे पास जो फोर्स है वो भी 1.8 टाइम्स हो जाएगी, इसे आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको यही रिजल्ट फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, तो ये सेकंड केस में भी मालूम चल गया। जब जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, अब देखो कोई ऑब्जेक्ट इसे मूव, कोई पर्सन था मान लो वो इस बॉक्स को मूव कराना चाहता था 10 kg के लिए, उसने इसके ऊपर इस तरह से पुशिंग फोर्स लगा दी, ठीक है, इतनी बड़ी फोर्स लगाने के बाद भी कितनी लगाई, 80√2 न्यूटन की फोर्स लगाई, तब भी बेचारा मूव नहीं करा पाया, तब भी मोशन करा नहीं पाया। अब हम सेम ऑब्जेक्ट को लेते हैं थर्ड केस में और देखते हैं इस थर्ड केस में क्या होता है। देखिए फर्स्ट केस में क्या बताया, किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराना चाहते हो, आप अगर पैरेलल टू द ग्राउंड फोर्स लगाओगे तो कम से कम 50 न्यूटन की लगानी होगी। सेकेंड केस ने आपको क्या बताया, अगर आप पुश करके, ये पुशिंग है, ऐसे ऐसे फोर्स लगाना पुशिंग है, पुशिंग करके मूव कराना चाहते हो तो कम से कम 90 न्यूटन की फोर्स लगानी होगी, वो भी तब जब 45 डिग्री का एंगल है, आप ये एंगल बदलोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ की फोर्स भी बदलेगी आपके पास। एक बार एंगल बदल के ही देख लेते हैं, यहीं पे चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, सेम फिगर के लिए यूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का दे दिया, 60 डिग्री का एंगल है, और ये फोर्स 80√2 न्यूटन की है, तो अब 80√2 या ये 30 डिग्री का ले लो, ये 30 डिग्री की, ठीक है, तो इधर के लिए जो फोर्स हो गई वो 80√2 × cos 60 हो गई, cos 60 हाफ होता है, तो ये वाली फोर्स हो गई 40√2 न्यूटन, ठीक है। अब ये फोर्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 80√2 × sin 60, sin 60 √3/2 होता है, तो √3/2 किया इसमें, मल्टीप्लाई किया 80√2 को √3/2 से, तो हमारे पास आया 80√3/√2, √2 से फर्दर इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 40√2, तो 40√2 × √3 करेंगे 40√6, तो ये वाली फोर्स हो गई हमारे पास 40√6, ठीक। अब हमने कहा ये थर्ड केस हो गया हमारा, थर्ड केस के लिए नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, 40√6 ये और 100 ये, तो 100 + 40√6 न्यूटन, ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, ये हमारे पास थर्ड केस के लिए नॉर्मल रिएक्शन हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन थर्ड केस की कितनी हो जाएगी, μs × normal reaction, इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक बार कैलकुलेट कीजिए आप लोग, देखिए जरा कितना आता है, शायद लगभग लगभग 198 न्यूटन आ जाएगी इसकी वैल्यू, नियरली इक्वल टू कह लो 198 न्यूटन आ जाएगी,
हमारे पास उसकी वैल्यू। अब इसका मतलब अगर इसे मूव कराना है तो कम से कम 198 न्यूटन की फोर्स चाहिए, अदरवाइज ये इस पर मूव नहीं करेगा इस तरह से। तो आप देख लो कि अब किसे मोशन कराने के लिए और बड़ी फोर्स लगानी पड़ रही है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और बड़ा हो गया है। और अब एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स कितनी है, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास कितनी है 40√2 की, तो फ्रिक्शनल फोर्स 40√2 ही होगी, क्योंकि 40√2 इससे काफी छोटी है वैल्यू, तो ये 40√2 न्यूटन ही हो गई हमारे पास। स्टैटिक ही रही हमारे पास थर्ड केस में फ्रिक्शन, और 40√2 न्यूटन हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार। ठीक है, पुशिंग फोर्स हमने देखी, अगर हम पुलिंग फोर्स लगाए तब क्या होगा, सपोज हमने 60 न्यूटन की फोर्स लगाई है, या 80√2 की फोर्स लगा के भी मोशन नहीं करा पाए थे, मालूम चला कि अगर इस तरह से 80√2 की फोर्स लगाओगे तो कम से कम 198 न्यूटन की फोर्स थी, यानी कि 180√2 की जगह 198 न्यूटन होती ये वाली फोर्स, तो ये मूव करता, फ्रिक्शन काइनेटिक आती, कम से कम इतनी होती। अब ये हमने 10 kg के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दी 60 न्यूटन की, मान लो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पे लगाइए ये फोर्स, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, इधर हो गया 60 × ये वाला हो गया 60 × cos 60, यानी कि ये 30 न्यूटन की फोर्स हो गई, और ये वाला हो गया हमारे पास 60 × sin 60। साइन 60 √3/2 होता है, तो √3/2 का मतलब 30√3 आ गया ये हमारे पास, 30√3 न्यूटन। बिसाइड दिस नॉर्मल रिएक्शन है R4, और ग्रेविटी की फोर्स वही है 100 न्यूटन। आपके से दो फोर्सेस अपवर्ड है, R4 और 30, इन दोनों का सम एक ही फोर्स डाउनवर्ड उसके बराबर होगा, यानी कि R4 प्लस 30 इक्वल्स टू 100 न्यूटन, तो R4 हो गया 70 न्यूटन, R4 की वैल्यू आ गई 70 न्यूटन। अब जैसे ही R4 मिला, म्यू एस और म्यू के की वही सेम वैल्यूज पहले वाली ही ले रहे हैं, यही वैल्यूज, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के देखते हैं कितनी आई। लिमिटिंग फ्रिक्शन इन फोर्थ केस इक्वल्स टू म्यू स्टैटिक इन नॉर्मल रिएक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन इन फोर्थ केस, नॉर्मल रिएक्शन इन फोर्थ केस 70 था, तो ये आया 35 न्यूटन हमारे पास। इसका मतलब है अगर ये वाली वैल्यू 35 न्यूटन या उससे बड़ी हो गई तो मोशन होगा, इनफैक्ट सच्चाई है कि 35 से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार चेक करते हैं, रूट थ्री की वैल्यू 1.732 इंटू 30 न्यूटन करना है हमें। अब आप देख सकते हो अगर एक जीरो से इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और अगर इसे सिर्फ 17 भी कंसीडर करूं तो ये वैल्यू 51 न्यूटन से बड़ी आ रही है, ये मल्टीप्लिकेशन 51 न्यूटन से बड़ा हो जाएगा 30 से 1.732 को मल्टीप्लाई किया, तो अब की से ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा और फ्रिक्शन कैसी हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी। काइनेटिक फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू होती है, आपको बताई नहीं थी, अब समझ लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू होती है, और वो वैल्यू होती है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरह सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, इसकी वैल्यू की कोई रेंज नहीं है, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शन तक था, काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ ऐसा नहीं है, उसकी फिक्स्ड वैल्यू है एक, और वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमें मालूम चल गया जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी लग रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई है 35 न्यूटन की हमारे पास, और जो एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स है वो 51 से भी बड़ी है, 51 न्यूटन से भी बड़ी है, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन हो गई काइनेटिक इस केस में, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है इस फोर्थ केस में, तो फोर्थ केस की फ्रिक्शन एक तो काइनेटिक हो गई, फोर्थ केस की फ्रिक्शन काइनेटिक हो गई हमारे पास, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, म्यू के इंटू आर फोर,
आर फोर आपको पता चल चुका है कितना है 70 न्यूटन, और ये भी आपको पता है 0.4 है, तो 70 × 0.4 कर देंगे, दैट इज 28 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन हो गई 28 न्यूटन। सारे केसेस में आपने देखा लिमिटिंग हमने सबसे पहले निकाला, जब हमें पता नहीं कि मोशन होगा या नहीं होगा तो हमने लिमिटिंग निकाला, उसके बाद हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाली, फिर हमने कंक्लूड किया कि नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स बढ़ी है या फ्रिक्शन बढ़ी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ी है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ी है तो मोशन नहीं होगा और फ्रिक्शन ऐसे केस में स्टैटिक होगी, स्टैटिक होगी तो वो नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होगी, और मोशन होगा तो फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू है, वो निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। आज का लेक्चर यहीं तक रोकेंगे, अभी हम सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ ही और क्वेश्चंस को डील करेंगे, अभी जैसे हम प्लेन सरफेस पे डील कर रहे थे इसी तरह हम जो है इंक्लाइंड सरफेस पे भी डील करेंगे कि कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है, कैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है, कैसे काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है, डिफरेंट केसेस को कंसिडर करेंगे फ्रिक्शन के, और उसके बाद एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया उस समय फ्रिक्शन, ऐसे केसेस हम अगले लेक्चर में कंसिडर करेंगे। मेरा ख्याल है एक से डेढ़ लेक्चर और लगेगा, हमारा फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाएगा।